कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और पूरे देश में इस तानाशाह सरकार को पूरे देश में भगाया। वो हमारे बड़े सिंसियर नेता हैं, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब थी थोड़ी दिनों से जी, तो प्रियंका गांधी जी की रैली में आए और उन्होंने बोला भी कि मैं बेस्ट विशेष देता हूँ मनीष तिवारी जी को और प्लीज़ इनकी सारी मदद करें, और जो उनसे बन सकता है अपने अपने वर्करों को उन्होंने फोन किया और आने वाले 2-3 दिनों में कंपेन में पूरा साथ दे रहे हैं। उनको मैनिफेस्टो नहीं जारी करना चाहिए, उनको अपने काम में लाने चाहिए कि हमने 10 साल में क्या काम किया। इतनी रैलियाँ 8-9 रैलियाँ कर रहे हैं मोदी जी, कभी जहाज से उधर कभी उधर, तो इतना काम करने की जरूरत नहीं मोदी जी। अगर आपने काम किया होता तो आपकी 400 पार अपनी होती, अब आपको पता लगा 400 पार नहीं आप खुद पार जा रहे हो। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए ये किसी का भी विश्वासघात कर सकते हैं। अर्थप्रकाश की चुनावी चर्चा जो है लगातार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आज इस कड़ी में हमारे बीच चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रधान मनोज लोबाना पहुंचे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी, NSUI के साथ जुड़े रहे, बहुत ही चर्चित चेहरा है एक शहर के अंदर इस वक्त, भाजपा की नीतियों को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे, धरनों पर बैठते रहे, सड़क के ऊपर आते रहे। तो आइए उन्हीं से कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं कि चंडीगढ़ लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आखिरी चरण में यहाँ पे 1 जून को चुनाव होना है। मनीष तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ संजय टंडन जिन्हें की एक बहुत लोकल प्रत्याशी और मनीष तिवारी की तुलना में जो है वजनदार प्रत्याशी बताया जा रहा है। तो आपका क्या मानना है कि कहाँ और किस तरह से फाइट चल रही है? धन्यवाद जी, आपके अर्थप्रकाश चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ बुलाने के लिए। पहले मैं आपके आपने तीन एक जवाब एक सवाल में 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जी, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जो आप बोल रहे हो कि मनीष तिवारी बाहरी हैं और टंडन जी लोकल हैं, मनीष तिवारी जी की स्कूलिंग यहाँ से, उनका घर यहाँ पे है, और जो आप यहाँ पे माहौल देख रहे हो मेरे ख्याल से जहाँ हम कंपेन करने जाते हैं कोई उनके साथ स्कूल में पढ़ा मिलता है, कोई उनके साथ कॉलेज में पढ़ा मिलता है, तो वो बिल्कुल भी बाहरी कैंडिडेट नहीं है। और दूसरी बात रही आप बोल रहे हो जी कि फाइट है इलेक्शन की, देखो जी अब जो ये इलेक्शन है चंडीगढ़ में और पूरे देश में, ये लोगों और गरीबी वर्सेस बीजेपी है। जो लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं पिछले 10 सालों में वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और लोग इस तानाशाह सरकार को सबक सिखाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है आने वाले उनके बच्चों का फ्यूचर भविष्य, आने वाले जो लोग उन्हें पता है कि हमारे भाई बहन आगे इस तानाशाह सरकार से लड़ने के लिए सक्षम होने के लिए इस सरकार को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन वो तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक बात कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्या लगता है आपको कि 400 पार का नारा उनका सही है? 12:45 है, एक हफ्ता रह गया, ये आज भी मंगलवार है, रिजल्ट भी मंगलवार को आएगा 4 तारीख को। आप इस दिन देखना कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और पूरे देश में इस तानाशाह सरकार को पूरे देश में भगाया जाए। आप ये टाइम और जगह नोट कर लेंगे, 7 दिन रह गए पूरे, इस टाइम तक रिजल्ट आ गया होगा। कांग्रेस के प्रत्याशी को क्यों जनता चुने, चंडीगढ़ की जनता क्यों जो है मनीष तिवारी को चुने? मनीष तिवारी के ऊपर एक आरोप लगातार लग रहा है कि वो पहले लुधियाना से चुनाव लड़े, लुधियाना से संजय टंडन जी कहते हैं कि वो दौड़े और दौड़ के आनंदपुर साहब पहुंच गए, आनंदपुर साहब में भी वो टिके नहीं, उसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ को अपना जो है लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनवा लिया। तो उनका कहना है कि जब काम नहीं करा तो वो लगातार इसीलिए दौड़ रहे हैं और पता नहीं अब चंडीगढ़ में भी टिकेंगे या नहीं। मैं आपको पहले तो बताता हूँ जी, लोकसभा का इलेक्शन होते हैं इसमें वो पिछले 3-4 टर्न से चंडीगढ़ में टिकट मांग लिया पार्टी ने उनको, पहले लुधियाना ड्यूटी लगाई, फिर आनंदपुर साहब ड्यूटी लगाई, तो अब चंडीगढ़ ड्यूटी लगाई। लोकसभा का इलेक्शन कहीं भी कोई भी कहीं से जाके लड़ सकता है। मोदी जी गुजरात से CM थे, UP वाराणसी से जाके अब मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, तो इसमें राइट होता है और आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। अपनी पार्टी जहाँ जिसको मौका देगी वहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। चंडीगढ़ से जो कांग्रेस का संगठन है उन्होंने मनीष तिवारी जी की ड्यूटी लगाई कि आप चंडीगढ़ में इलेक्शन लड़ोगे, तो वो लड़ रहे हैं और लोग उनका साथ देख रहे हैं। आप चंडीगढ़ में माहौल देखोगे, आप बोल रहे हो फाइट, मेरे ख्याल से ना कोई फाइट है ना कुछ है, चंडीगढ़ में एक तरफा इलेक्शन है और 4 तारीख को मनीष तिवारी जी चंडीगढ़ के मेंबर पार्लियामेंट कैंडिडेट। एक हैवीवेट आपकी पार्टी के नेता जो है पवन बंसल, जो यहाँ से पहले 4 बार
सांसद रह चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं, वो नाराज चल रहे हैं लगातार। प्रियंका गांधी की रैली में वो पहुंचे जरूर, लेकिन उन्होंने जो है मनीष तिवारी के लिए वोट नहीं मांगी। गलत बात। पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, वो हमारे बड़े सिंसियर नेता हैं, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब थी थोड़े दिनों से जी, तो प्रियंका गांधी जी की रैली में आए और उन्होंने बोला भी कि मैं बेस्ट विशेष देता हूँ मनीष तिवारी जी को और प्लीज इनकी सारी मदद करें, और जो उनसे बन सकता है अपने अपने वर्करों को उन्होंने फोन किया और आने वाले 2-3 दिनों में कंपेन में पूरा साथ दे रहे हैं। और ऐसी गलत फहमियाँ बीजेपी फैला रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे सीनियर नेता है और वो अगर मंच पर आए कांग्रेस के इतने बड़े मंच पर जहाँ 15-20 हजार लोग थे, वहाँ पे उन्होंने अपील की कि हाँ मैं बेस्ट विशेष देता हूँ मनीष तिवारी जी के साथ और इनको, और उनके साथ चेयर उन्होंने साझा की मनीष तिवारी जी, प्रियंका गांधी जी, अमित कुमार बंसल, फ्रंट पेज पे फोटो आई है, इससे बड़ा मैसेज पार्टी को इकट्ठा देने का कोई नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन है कांग्रेस का, लेकिन बावजूद उसके आम आदमी पार्टी को जिस शिद्दत से काम करना चाहिए था वो दिखाई नहीं दे रहा। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे यहाँ से प्रचार के लिए नजारा दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अब आखिर में जो जरूर कह रहे हैं कि केजरीवाल जी आ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी का जो है किस तरह का असर रहेगा, किस तरह से असर नहीं रहेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आम आदमी पार्टी ने उस तरह से काम नहीं किया। 35 दिन की कंपेन हुई है इलेक्शन की, मैं सारा मेरे ख्याल से दिन की 10 प्रोग्राम है तो 8-9 प्रोग्राम अटेंड करता था, 8-9 प्रोग्राम में आम आदमी के कार्यकर्ता और सीनियर लीडर जितना बढ़ सक उन्होंने सहयोग किया है, हम उनका तह दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारा इस कंपेन में बिल्कुल मतलब 1% भी दिमाग में ऐसा कुछ नहीं डाला कि वो है, उन्होंने बिल्कुल दिल से मदद करी। आपको चंडीगढ़ में क्या लगता है कि क्यों चंडीगढ़ की जनता जो है भाजपा से विमुख है, आप जो बात एक आरोप लगा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि 10 साल में वो मनीष जी ने भी उनको चैलेंज किया था, हम भी चैलेंज करते हैं कि 10 साल में आप बताओ कि आपने क्या किया है, गाँव में क्या किया है, कॉलोनियों में क्या किया। अब वो कह रहे हैं मैंने एक कंपेन शुरू की थी कि चंडीगढ़ के यूथ के लिए 85% कोटा होना चाहिए, तो अब उनके वो मैनिफेस्टो में आ गया। पिछले 10 साल उनकी सरकार थी, वो कहाँ थे 10 साल उनकी सरकार थी, मेंबर प्रधानमंत्री उनका, होम मिनिस्टर उनका, मेयर उनका, मेंबर पार्लियामेंट उनका, तो सारा कुछ उनका, 10 साल तो उनको चंडीगढ़ के लोगों की याद नहीं है। अब उनको मैनिफेस्टो नहीं जारी करना चाहिए, उनको अपने काम गिनाने चाहिए कि हमने 10 साल में क्या काम किया। मैनिफेस्टो अगर उन्होंने काम किया होता तो उनको इतनी धूप में ना घूमना नहीं फिरता। मोदी जी अगर बोल रहे हैं 400 अगर आनी होती 75 साल की उम्र में 10-10 रैलियां इतनी धूप में करने की जरूरत नहीं पड़ी होती। अगर इतना काम किया होता तो 75 साल की उम्र में इतनी रैलियां 8-8, 9-9 रैलियां कर रहे हैं मोदी जी, कभी जहाज से उधर कभी उधर, तो इतना काम करने की जरूरत नहीं। मोदी जी अगर आपने काम किया होता तो आपकी 400 पार अपनी होती, अब आपको पता लगा 400 पार नहीं, आप खुद पार जा रहे हो। कांग्रेस के ऊपर एक जो आरोप लगता है वो आरोप ये लगता है कि ये ड्राइंग रूम की राजनीति करती है पार्टी, क्योंकि हमेशा सत्ता में रही है तो सत्ता में रहने के कारण जो है सड़कों पे आने का जो है उनका कोई मतलब बहुत तजुर्बा नहीं है। आपने जरूर बतौर जो है चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस के सड़क के ऊपर आके, मैं भी कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े, लेकिन मतलब एक मैं जनरल जो बात करूं कांग्रेस की, ये एक आरोप लगता है कि वो ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं और इलेक्शन के दौरान में दिखाई देते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं, हमारे पीसीजी प्रेरणा एचएस लक्की जी लगातार जहां मेरे को उनकी जरूरत पड़ी वो मेरे साथ खड़े, और मेयर इलेक्शन में यूथ कांग्रेस ने लगातार 5-6 दिन प्रोटेस्ट किया अलग अलग तरीके से, तो वहाँ पे कांग्रेस का, हमारे पीसीबी प्रधान का, एचएस लक्की जी का, महिला कांग्रेस का, एनएसयूआई का, सबका सहयोग रहा, और जो लड़ाई लड़ी मेयर इलेक्शन में पूरे वर्ल्ड ने देखा है, जो तमाशा बीजेपी सरकार ने किया था उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है कांग्रेस ने, सबने मिलकर लड़ी है, और ये जीत सॉरी कांग्रेस की और सारे कार्यकर्ता की और पूरे देश के लोगों की जो इस तानाशाह सरकार के खिलाफ खड़े थे। तो आपको मतलब किन चीजों के ऊपर विश्वास है कि जनता जो है किस पर्टिकुलर वर्ग की और किन कॉलोनियों में या कौन से इलाकों में आपको लगता है कि आपको ज्यादा वोटिंग की उम्मीद है? देखो ऐसे तो हम नहीं बता सकते, पर मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि लोगों ने मन बना रखा है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में क्या, आप पूरे हिंदुस्तान में जाके देखो कि लोगों ने मन बना रखा है जी, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ वोट डालने का माहौल बना हुआ है। आप अब तो बातें कहने की रहेगी, 7 दिन रह गए, 2 महीने की कंपेन थी, 7 दिन रह गए,
तो पर्टिकुलर एक एरिया नहीं, पूरे एरियाज में, कॉलोनी गांव में आप जाके देखोगे ना कि क्या खिलाफ इनके माहौल बनाए। क्योंकि आप देखो किसानों का क्या गेन हो, किसी के साथ एक चीज बता दो किसी ने अच्छा किया, सबके ऊपर अत्याचार किया, तो अब अत्याचार इनको भुगतना पड़ेगा जो लोगों के साथ इन्होंने अत्याचार किया। ईवीएम को लेके एक विपक्ष जो है आवाज उठाता रहा है और एक भ्रम की स्थिति सारे हिंदुस्तान की जनता के बीच बनी हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो है वस्तु स्थिति जो भी है वो क्लियर करी है, लेकिन बावजूद उसके मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मोदी सरकार द्वारा सत्ता में लौटती है या वो जीत दर्ज करते हैं तो क्या आप ईवीएम को सही मानोगे, या आप जीत दर्ज करते हो तो क्या ईवीएम को सही मानोगे? देखो जी, ईवीएम तो हम मैं आपको ऊपर ही बताता हूँ, मेयर इलेक्शन हुआ, जो मेयर इलेक्शन में हुआ ना उसके बाद मेरे ख्याल से आपका ये क्वेश्चन और मेरा आंसर देना, वो मेयर इलेक्शन की एक जो वीडियो है और वीडियो क्लियर बता देगी कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए ये किसी का भी विश्वासघात कर सकते हैं, इनको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मेयर इलेक्शन में एक सीधा साधा एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया, तो इसके बाद ईवीएम ओवीएम तो परे रह गई। जो इन्होंने वो किया वो वीडियो बहुत बड़ी है, जो इन्होंने लोगों का विश्वासघात किया। भाजपा के कई स्टार कैंपेनर यहाँ पे आए हैं और आज भी जो है स्मृति ईरानी यहाँ पे आई हैं, पहले योगी जी आ चुके हैं। स्मृति ईरानी से आज बात करेंगे, वो जो बोलती थी सिलेंडर सिलेंडर लेके सड़कों पे खड़े होते हैं, सिलेंडर का क्या रेट है? चार गुना सिलेंडर का रेट हो गया। आज उनसे पूछेंगे जो आप सड़कों पे वहां बैठते थे सिलेंडर लेके, आज भी आओ सिलेंडर लेके सिलेंडर का रेट बताना। आज कहीं आएंगे तो आप मीडिया वाले साथियों को उनसे बात करनी चाहिए कि मैम आप जब सिलेंडर की बातें करते थे सड़कों में लेके सिलेंडर बैठते जब यूपीए की सरकार थी, तो आज आपका जो सिलेंडर का रेट है वो कहाँ है? जब आप चूड़ियां भेजती थी अब किसको चूड़ियां भेजोगे? आप चूड़ियां डालो सिलेंडर का रेट पर, आप बताओ मोदी जी को दे दो चूड़ियां। लेकिन यही आरोप जो है भाजपा वाले लगाते हैं। अब जैसे आम आदमी पार्टी की ओर से और कांग्रेस की ओर से केजरीवाल का लास्ट में शो है, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल जा चुके हैं, इनके ऊपर कई तरह के आरोप है घोटालों के, तो उन आरोपों में कितना दम मानते हैं आप? नहीं, वो दम देखो वो एक उच्च न्यायालय का डिसीजन होता है, उस पर मतलब मैं कोई टिप्पणी करूं मैं बड़ा तो मतलब इस पर मेरा कोई हक नहीं बनता टिप्पणी करने का, वो उच्च न्यायालय के हाथ में, जो उच्च न्यायालय फैसले करेंगे वो हमें। लेकिन आप यहीं से चंडीगढ़ से चार कदम की दूरी पे देखो तो आप जो है अपने आप लड़ रही है इलेक्शन इंडिपेंडेंट और यहाँ गठबंधन, लोगों के दिमाग में ये भी एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि असल वास्तविकता क्या है, कि आप अगेंस्ट हो एक दूसरे के या आप एक दूसरे के साथ हो? देखो जी, लोग ये इलेक्शन हो रहे हैं तानाशाह के खिलाफ, एक साथ खड़े हैं तानाशाह, एक साथ खड़े हैं लोग। चंडीगढ़ में जो मेयर इलेक्शन में हुआ उस कारण ये सारा माहौल बना है, और उसके खिलाफ जो इन्होंने एक भरम लोगों के खौफ पैदा किया, उस खौफ को खत्म करने के लिए चंडीगढ़ में ये सारी पार्टियों ने आपस में अलायंस करके इन तानाशाह सरकार को भगाने की ठान ली है, और 4 तारीख को उनको भगा देंगे चंडीगढ़ से। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रधान मनोज कुमार लुभाना, जिनका कहना है कि भाजपा के खिलाफ सिर्फ चंडीगढ़ में ही नहीं पूरे देश में एक विपरीत माहौल बना हुआ है, और ये विपरीत माहौल कहीं ना कहीं जो है पार्टी को ले डूबेगा, और इंडी गठबंधन जो है बड़ी सीटें इस चुनाव में जीतने जा रहा है, बड़ी भारी जीत दर्ज करेगा। साजन शर्मा अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से। थैंक यू।